बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। मायावती ने कहा कि शाह का केरल के कन्नूर में सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देना यह बहुत ही निंदनीय है। इस मामले पर अदालत को संज्ञान लेना जरूरी है। मायावती ने कहा कि शाह का केरल के कन्नूर में सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देना यह बहुत ही निंदनीय है। इस मामले पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने अदालत के फैसले पर एतराज जताते हुए कहा कि अदालत को ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए जिसका पालन नहीं किया जा सके और न्यायालय को आस्था से जुड़े मामले में फैसला देना ही नहीं चाहिए। आपको बताते चलें कि शाह ने केरल के कन्नूर में सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि अदालतों को आदेश ऐसे देना चाहिए जिनका पालन हो सके और ऐसे आदेश नहीं देना चाहिए जो लोगों की आस्था को तोड़ने का काम करे। वहीं मायावती का कहना है कि केंद्र में सत्तासीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयानों से यह साबित होता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही सीबीआई, सीवीसी, ईडी और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में इस वक्त जो संकट का दौर चल रहा है वह इसी तरह की गलत सरकारी नजरिए और अहंकार का ही नतीजा है। गौरतलब है कि मायावती ने सबरीमाला मंदिर मामले पर कहा कि हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश करने पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से अगर भाजपा को एतराज है तो उसके लिए उन्हें सड़कों पर तांडव करने, हिंसा फैलाने और साथ ही केरल की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर देने की धमकी देने के बजाय कानूनी तौर से इसका हल ढूंढना चाहिए। रिपोर्ट नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।